दिखा के समझ लीजिएगा। जीवन को सफल बनाना है तो हमेशा तीन चीजों का स्वीकार कर लो। आप चाहते हो जीवन सफल हो, पूरे उत्तराध्यन सूत्र का सार परमात्मा ने तीन बातों में बता दिया। शायद आप कोई अध्ययन न समझ पाए, न सुन पाए, उनके लेसन को न समझ पाए, लेकिन परमात्मा ने कहा कि समझ ले। पूरी 48 घंटे की देशना का सार ये तीन शब्दों में कहा कि तू जीवन को सुधारना चाहता है, जीवन को समझना चाहता है, जीवन को जानना चाहता है, जीवन में जागना चाहता है, जीवन को जीतना चाहता है, तो निश्चित तौर पर याद रख ले, कहते तीन चीजों का स्वीकार कर ले, जीवन तेरा सफल हो जाएगा। और इसीलिए आज के समय में भी 2600 साल के बाद में भी परमात्मा का धर्म, परमात्मा की बताई हुई फिलोसॉफी इतनी ही योग्य, इतनी ही सटीक और इतनी ही जबरदस्त है। आज कोई चीज साइंस संशोधित कर लेता है और जब हम गहराई में जाते तो पता चलता है परमात्मा ने इसको सालों पहले कह दिया था। कोरोना जैसी महामारी भी आई और आपको ताज्जुब होगा कि कोरोना महामारी के क्या उपाय, उससे बचने के क्या उपाय, किस तरह से उससे बचा जाए, नाम अलग था लेकिन शास्त्रों में वो वर्णन मिला, हमारे मुनि भगवंत ने उसको ढूंढ के निकाला आगम ग्रंथों में से, किस तरह से कोई वायरस जब जीवाणु कीटाणु आपके शरीर में घुस जाए तो उससे किस तरह से बचा जाए, और जितने उपाय उसमें बताए गए उसी उपाय से आज दुनिया कोरोना से बची है। परमात्मा ने हजारों साल पहले सब कुछ लिख दिया, और इसीलिए ये तीन चीजों का स्वीकार परमात्मा ने किया और हमें संदेश दिया कि जीवन में तीन चीजों का स्वीकार करते रहे, जीवन परिवर्तित होगा, जीवन बदलेगा, जीवन सफल होगा। इसीलिए कहा सबसे पहले नंबर में परिवर्तन को स्वीकारो। परमात्मा महावीर के तीन संदेश जीवन में स्वीकारना है, निश्चित तौर पर ये तीन चीजों को स्वीकार लो, जीवन अद्भुत बन जाएगा। कहा परिवर्तन को स्वीकारो। जिसने परिवर्तन का स्वीकार नहीं किया वो आदमी दुखी हुआ, वो परेशान हुआ है, वो त्रस्त हुआ है, वो जीवन से हारा है, वो जीवन में दुखी हुआ है, उसके जीवन में कहीं ना कहीं शोक आया है। इसलिए परमात्मा ने कहा परिवर्तन को स्वीकारो, क्योंकि वो समय के अधीन है, समय किसी के अधीन नहीं है, समय बदलता है, परिवर्तन होता है। इसलिए परमात्मा ने कहकर के गए अपनी देशना में कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुरूप आचार्य भगवंत जो निर्णय करना चाहे वो समय के हिसाब से, क्योंकि परमात्मा स्वीकार देते परिवर्तन, संसार का नियम हर क्षण परिवर्तित है और अनेकों क्षण जब मिल जाती है तब बड़ा परिवर्तन होता है, वो हमारी आंखों के सामने आता है। लेकिन समझिएगा जीवन की हर क्षण परिवर्तित है, हर क्षण हम नया सीख रहे हैं, हर क्षण हम बदल रहे हैं, हर क्षण हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा तन, हमारी काया, हमारा जीवन, हमारे आसपास का माहौल, हमारे वाइब्स, हर चीज बदल रही है। इसलिए परमात्मा ने कहा समझ लीजिएगा सबसे पहले नंबर में परिवर्तन को स्वीकार, एक्सेप्ट द चेंजेस। जीवन में परिवर्तन होता है लेकिन वो व्यक्ति मूड है जो ये चाहता है कि जीवन भर ऐसा ही बना रहे। सुखी व्यक्ति ये चाहता है कि जीवन भर सुख ही बना रहे, लेकिन शास्त्रकार भगवान कहते हैं, हमारे परमात्मा महावीर कहते हैं कि किसी के जीवन में जीवन भर सुख नहीं रहता। सुख दुख तो जीवन के दो पहलू है। आप ये समझने की गलती मत करना कि आदमी के पास संपत्ति है तो वो सुखी है। अरे मैं तो कहता हूं जिनके पास संपत्ति है वो संसार में सबसे बड़े दुखी है। हम जाते जब बड़े बड़े महानगरों में, बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े घरों में, बड़े बड़े जगहों पर, और जब जाके उनके जीवन को देखते हैं तो निश्चित तौर पर हमें प्रतीत होता है कि जिनके पास ज्यादा संपत्ति है वो सबसे ज्यादा दुखी है, और जिसके पास कुछ नहीं है, रोज का कमा के रोज का खाता है, उसका जीवन सबसे बढ़िया है, उसका जीवन सबसे बेहतर है। इसलिए शास्त्रकार भगवत ने कहा कि परिवर्तन को स्वीकारो, सुख है तो जीवन में दुख आएगा और दुख है तो जीवन में सुख आएगा, ये निश्चित है, इसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। इसलिए कहा नंबर वन परिवर्तन को स्वीकारो, नंबर टू परिस्थिति को स्वीकारो, संयोगों को स्वीकारो। परिस्थिति जो भी खड़ी हो उसको स्वीकार करना सीखो। हम मूड है, हम जीवन में कोशिश करते हैं परिस्थिति बदल जाए, लेकिन परमात्मा ने गजब का सूत्र दिया, कहा कि परिस्थिति को तुम नहीं बदल सकते, तुम्हारी कोई औकात नहीं, तुम्हारी कोई ताकत नहीं, तुम्हारे भीतर कुछ नहीं है, परिस्थिति तुम नहीं बदल सकते, जो कर्म किए हैं वो भुगत रहे हैं, आप नहीं बदल सकते। चाहे आपको ज्ञात हो न हो, चाहे आपकी शक्ति हो न हो, चाहे आपके भीतर ताकत हो न हो, चाहे आपका इच्छा हो न हो, लेकिन जो किया है वो भुगतना पड़ेगा। इसलिए कहा कि समझ लीजिएगा परिस्थिति का स्वीकार करो, जो परिस्थिति खड़ी होती है उसका स्वीकार करना सीखो।
संयोग बदल नहीं सकते, परिस्थितियां बदल नहीं सकते, तो पूछा कि क्या बदल सकते हैं? हम दुखी हो गए, आपके संतान, आपके चतुर्विध श्री संघ के लोग दुखी हो गए, आप ऐसा चाहते हो? परमात्मा ने कहा कदाचित नहीं। कहा कि तो क्या बदले, परिस्थितियां विकट आएगी तो हम दुखी हो गए। तब परमात्मा ने कहा कि परिस्थिति को बदलने की कोशिश मत करो, मनोस्थिति को बदलने की कोशिश करो, कभी दुखी नहीं आएगा। मनोस्थिति से तो हम दुख होते हैं, हमें दुख कहां से होता है? परिस्थिति थोड़ी हमें दुखी करती है, जो परिस्थिति हमें दुखी करती है वो शायद दूसरों को सुखी करने वाले मर जाते, क्योंकि वह पॉजिटिव माइंडसेट में है, हम नेगेटिव माइंडसेट में है। इसलिए कहा कि परिस्थिति को तुम नहीं बदल सकते, तुम्हारी कोई ताकत नहीं, तुम्हारे भीतर कोई शक्ति नहीं कि परिस्थिति को बदल लो। लेकिन शास्त्रकार भगवत ने कहा कि एक चीज बदल सकते हो, मेरे परमात्मा महावीर कहते हैं एक चीज बदल सकते हो। क्या बदल सकते हम? क्या बदल सकते हैं? मनस्थिति बदल सकते हैं, मन के विचारों को बदलना है, उसको पॉजिटिविटी में ले जाना है। और इसीलिए परमात्मा ने कहा कि तीन चीजों का स्वीकार कर लो, जीवन सफल हो जाएगा। ये दीपावली का दिव्य संदेश भी ये है, परमात्मा महावीर का अंतिम संदेश भी यही है कि समझ लीजिएगा जीवन में निश्चित तौर पर परिवर्तन को स्वीकारो, क्योंकि वो समय के अधीन है, परिस्थिति को स्वीकारो क्योंकि वो पुण्य के अधीन है, और तीसरे नंबर में कहा कि परिणाम का भी स्वीकार कर लो क्योंकि वो कर्म के अधीन है। जो परिणाम आए उसका स्वीकार कर लो। हम चाहते हैं कि जीवन में हर जगह हमारी जीत, हर जगह हम जीते, व्यक्तियों में, वस्तुओं में, विवादों में, संवादों में, हर जगह हम हमारी जीत चाहते हैं। लेकिन शास्त्रकार भगवान परमात्मा महावीर कहते हैं कि समझ लीजिएगा परिणाम भी ज्यादा तेरे हाथ में है, तूने जो कर्म किए उसके मुताबिक मिलेगा, तूने जिस हिसाब से कर्म बांधे हैं, कर्म किए हैं उस मुताबिक ही मिलेगा। इसलिए आज के समय में हम देख पाते हैं कि पापी व्यक्ति बड़ा सुखी है, कहीं गई हमारी नजर पहुंचती तो लगता है कि जीवन में कितना भरपूर पाप है, लेकिन फिर भी लोगों को लगता है कि वो सुखी है, लोगों को लगता है कि उसके पास धन है, उसकी बड़ी गाड़ी है, उसका बड़ा बंगला है, उसके पास पैसे, वो पापी है, जीवन में अनेकों पाप उसने किए। लेकिन शास्त्रकार भगवान कहते हैं कि समझ लेना कर्म है, अच्छे कर्म किए है तो वो भी तेरे परिणाम रूप मिलेंगे, और बुरे कर्म किए है तो वो भी तुझे परिणाम रूप मिलेंगे। इसलिए परमात्मा ने कहा कि समझना परिणाम कर्म के अधीन है, परिणाम को स्वीकार कर लो, रोने मत बैठो। हम रोने बैठ जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? कहा कि तूने कर्म किए तो तेरे साथ होगा, तूने यदि कहीं ना कहीं वो कर्म को बांध दे तुझे भुगत रहे, क्योंकि कोई नहीं बच सकता, परमात्मा महावीर खुद न बच पाए, संसार का कोई इंसान नहीं बच पाता, न राम बच पाए, न कृष्ण बच पाए, न संसार का कोई व्यक्ति बच पाता है। इसलिए शास्त्रकार भगवंत ने कहा कि समझ लीजिएगा जीवन को यदि सुखी बनाना चाहते हो तो परमात्मा महावीर का अंतिम संदेश यह है, दीपावली का दिव्य संदेश यही है कि जीवन में तीन चीजों का स्वीकार कर लो। सबसे पहले नंबर में परिवर्तन को स्वीकारो, हमेशा परिवर्तन के लिए तैयार रहो। दूसरे नंबर में परिस्थिति को स्वीकार कर लो, और तीसरे नंबर में परिणाम का स्वीकार कर लो। हम इसमें कुछ नहीं बदल सकते क्योंकि परिवर्तन समय के अधीन है, परिस्थिति पुण्य के अधीन है, और परिणाम कर्म के अधीन है, और ये तीनों चीज हमने जिस तरह से करी होगी वैसा ही हमारा होगा। और यही परमात्मा ने संदेश दिया, बोध दिया, उपदेश दिया उत्तराध्यन सूत्र के माध्यम से कि स्वीकार कर लो। स्वीकार में सुख है, इनकार में दुख है। स्वीकार जिस जिसने कर लिया वो व्यक्ति संसार में सुखी हो गया, और इसमें भी ये तीन चीजों का स्वीकार कर लिया उसको जीवन में कोई दुखी नहीं कर सकता। प्रेम, भक्ति, आराधना, प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को, और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।